बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेटिंग सेल इन स्प्रेडशीट के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने फॉन्ट को फॉर्मेट करना, साथ के साथ किसी भी सेल या फिर उसमें मौजूद डेटा पर बॉर्डर्स और कलर्स अप्लाई करना सीखे थे। आज के लेक्चर में हम आपको सेल की अलाइनमेंट करना सिखाएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर सेल अलाइनमेंट होता क्या है। दोस्तों, सेल अलाइनमेंट के मानी होते हैं कि जो डेटा आपके सेल में पड़ा हुआ है उसकी पोजीशन क्या होगी उस सेल के अंदर। आया वो उस सेल के दाएं जानेब होगा, बाएं जानेब होगा, ऊपर की तरफ प्लेस होगा या फिर बॉटम की तरफ। तो ये कहलाता है अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेल। और एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप सेल में टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो हमेशा उस सेल के दाएं जानेब से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप सेल में कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस सेल के बाएं जाने प्लेस होगा, विच मींस कि ये जो एमएस एक्सेल है इसके अंदर पहले से कुछ डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेट होती है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट इसकी पोजीशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, विच मींस कि ये लेफ्ट तरफ आपको इसकी पोजीशन नजर आ रही है, यानी ये लेफ्ट अलाइंड है। इसी तरीके से जब भी आप स्प्रेडशीट्स के अंदर मौजूद सेल्स में नंबर्स को टाइप करेंगे तो वो हमेशा राइट साइड पर उनकी अलाइनमेंट होगी। तो ये क्या है, ये दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, लेकिन अक्सर आप इन टेक्स्ट या फिर नंबर्स की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सेल अलाइनमेंट के लिए अगर आप किसी भी सेल की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है उसकी पोजिशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एमएस एक्सेल एक पूरा ब्लॉक फराहम करता है। आप इस होम टैब के अंदर बिल्कुल फॉन्ट के बराबर में जो ब्लॉक देख रहे हैं, ये पूरा ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसके अंदर आपको तमाम टूल्स अलाइनमेंट से रिलेटेड मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये टेक्स्ट है और आप चाहते हैं कि इसकी जो पोजिशन हो वो टॉप के ऊपर हो, मतलब थोड़ी ऊपर हो, तो इसके लिए आप यूज करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। आप जिस भी सेल के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो तीन ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये वर्टिकल अलाइनमेंट के हैं, जिसके अंदर ये टॉप अलाइन है, ये है सेंटर अलाइन और ये है बॉटम अलाइन। तो दोस्तों देखिएगा कि जैसे ही मैं टॉप अलाइन पर क्लिक करूंगी तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर की जाने प्लेस हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं अगर इसको मिडिल अलाइन यानी सेंटर अलाइन पर क्लिक करूंगी तो ये बीच की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं इस बॉटम अलाइन पर क्लिक करूंगी तो ये नीचे की जानिब आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जब भी आपको अपने टेक्स्ट को एक सेल के अंदर ऊपर या फिर नीचे की जानिब प्लेस करना हो तो आप इस वर्टिकल अलाइनमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर्स जो होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ टी एक्स टी, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है ये आपको यहाँ पर लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ नंबर्स तो ये ऑटोमेटिकली राइट अलाइन होंगे, विच मीन्स कि ये बाय डिफॉल्ट है। तो इसको चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल अलाइन। दोस्तों, इस हॉरिजॉन्टल अलाइन के जरिए आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, यानी आप अपने टेक्स्ट को दाएं जाने मूव करवाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट अलाइन पर। इस तरीके से अगर आप उसको बीच में लाना चाहते हैं तो आप मिडिल अलाइन को चूज करेंगे, और अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो आप इस राइट अलाइनमेंट को चूज करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपको दो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये कहलाता है वर्टिकल अलाइनमेंट और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट से आप अपने टेक्स्ट को टॉप और बॉटम की जाने प्लेस कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के जरिए आप अपने टेक्स्ट को दाएं और बाएं जाने यानी लेफ्ट और राइट अलाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस तमाम कॉलम में मौजूद वैल्यूज को टेक्स्ट को राइट, ये अभी सेंटर अलाइन है और मैं इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से यहाँ पर क्लिक करूंगी। अगर मैं सेंटर अलाइन करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। अगर मैं राइट अलाइन करना चाहती हूँ, बाएं जाने मूव करवाना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। तो इस तरीके से आप इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को अपने सेल्स में एक सेल या एक से ज्यादा सेल्स में अप्लाई कर। दोस्तों,
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बराबर में आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा ओरिएंटेशन का। इसके जरिए आप अपने सेल में मौजूद टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, उस सेल की पोजीशन को रोटेट कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को आपको चेंज करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। अब दोस्तों ये टेक्स्ट जो है ये आपको हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा है, अगर आप इसको वर्टिकली प्लेस करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपके सेल में मौजूद डाटा वर्टिकली आपको यहाँ पर प्लेस हुआ हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस हैं और उन तमाम ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों ओरिएंटेशन से नीचे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का। इंडेंट के माने होते हैं कि आप अपने टेक्स्ट के दाएं और बाएं जानब कितना स्पेस रखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूंगी तो आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मूव योर कंटेंट फार्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर, यानी इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉर्डर से दूर हो जाएगा, ये देखिए। और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूंगी तो यहाँ लिखा हुआ है मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर, यानी इसके जरिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर से और ज्यादा क्लोज हो जाएगा, करीब हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए इस तरीके से आप टेक्स्ट किसी भी सेल में पड़ी टेक्स्ट की वैल्यूज पर टेक्स्ट पर इंडेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है मर्ज एंड सेंटर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा मर्ज एंड सेंटर का, यानी मर्ज एंड सेंटर की मीनिंग ये है कि अगर आप बहुत सारे सेल्स को मर्ज करके कोई एक सेल बनाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। दोस्तों पहले आप उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इस मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू, यानी जो भी पहली दाएं जाने वैल्यू होगी ये सिर्फ उसको रखेगा एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यू, और बाकी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप तमाम सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना रहे हैं तो एक सेल में एक वक्त में कोई एक ही डाटा रहेगा, उसके लिए वो सबसे टॉप मोस्ट वैल्यूज को चुनकर उसको मर्ज करता है। और ये देखिए इस तरीके से आप अपने मुख्तलिफ सेल्स को एक साथ मर्ज करके एक बड़ा सेल बना सकते हैं। दोस्तों मर्ज एंड सेंटर के अलावा आपको इसके बिल्कुल ऊपर एक और ऑप्शन नजर आएगा रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट की मीनिंग ये है कि अगर आप, दोस्तों आप हमेशा ये याद रखिए कि आप जब भी किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करें तो आप उसकी जो एक एक्सप्लेनेशन होती है उसको भी पढ़ लिया करें कि ये लिखा हुआ है रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू अ मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। यानी अक्सर ऐसा होता है कि हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ दिस इज ए कंप्यूटर, तो दोस्तों ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरी लाइन से भी बाहर जा रहा है, जो मेरे इस सेल की लाइन है इससे भी बाहर जा रहा है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे एक सेल के अंदर नजर आए, जिस सेल में मैंने लिखा है उसी के अंदर ये टेक्स्ट लिखा है, तो उसके लिए मैं रैप टेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपको ये पूरे एक ही सेल के अंदर ये तमाम टेक्स्ट नजर आएगा, ये आउट ऑफ द सेल नहीं जाएगा। इसको कहते हैं रैपिंग द टेक्स्ट। और दोस्तों टेक्स्ट रैप करने के बाद आप जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में मिल रहे हैं वो आप इस तरीके से, आपको अलाइनमेंट के अंदर एक छोटा सा एरो दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी फॉर्मेट सेल के नाम से। और दोस्तों इस विंडो के अंदर आप अलाइनमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जो कि तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल गए होंगे, तो यानी आप डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से एरो पर क्लिक करके फॉर्मेट सेल की विंडो के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट अलाइनमेंट का, और यहाँ पर वो ऑप्शन आपको ये मिल रहा है, ये है वर्टिकल अलाइनमेंट, तो यहाँ से आप वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इंडेंटेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो वो आप इस इंडेंट के ऑप्शन के थ्रू आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो आप सेल्स को इसी तरीके से सिलेक्ट करके इस मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपके जो भी सेल्स आपने सिलेक्ट किए होंगे वो मर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रैप करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ था पहले से एक टेक्स्ट
अब मैं इसके ऊपर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके ओके करूंगी तो अब आपके सामने ये जो टेक्स्ट है ये रैप हो गया है। यानी इस तरीके से आप यहाँ से भी तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मेट सेल के इस विंडो के थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसकी डिग्रीज को बढ़ा और घटा कर आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों अभी मैंने वहां पर सिलेक्ट की तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे टेक्स्ट की ओरिएंटेशन तब्दील हो चुकी है। तो ये वो तमाम ऑप्शंस थे जिसके जरिए आप अपने सेल में मौजूद टेक्स्ट की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसको डायगनली रखना चाहते हैं तो उसको डायगनली रख सकते हैं, वर्टिकली रखना चाहते हैं तो वर्टिकल रख सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर जैसा आप चाहते हैं उस तरह से अपने टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये था कि आप किस तरह से सेल के अंदर अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग सिखाएंगे, यानी आप नंबर्स पर क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।